अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टडी गाइड फॉर ऑल स्टेजेस। आज का हमारा टॉपिक सब्जेक्ट बायोलॉजी में से है, जो कि है केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रोमोसोम। ये टॉपिक जो है वो आपको जैसे पता है बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने लेबल भी किया हुआ है कि क्यों इम्पॉर्टेंट है, किस वजह से इम्पॉर्टेंट है। हम इसको स्टडी करने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू क्रोमोसोम के ऊपर लेंगे, आए हम इसके बारे में स्टडी करें। क्रोमोसोम बायोलॉजी का एक बहुत अहम टॉपिक इस वजह से है क्योंकि ये एक ऐसा टाइप का आप कह सकते हैं कि लिविंग मखलूक है, या आप बोल सकते हैं कि लिविंग स्ट्रक्चर है जो हमारी बॉडी के अंदर, हम सबकी बॉडी के अंदर मौजूद है। जितने भी जानदार इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम सब के अंदर क्रोमोसोम मौजूद है। हम सब के अंदर क्रोमोसोम मौजूद है, किसी के अंदर हैप्लॉइड है तो किसी के अंदर डिप्लॉइड है, यानी सिंगल है किसी के अंदर डबल है। क्रोमोसोम जो है वो थिन धागे लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि बेसिकली बहुत थिन होते हैं, नज़र भी नहीं आते आपको नेकेड आई से। और ये जो है वो क्रोमाटीन मटेरियल से बने होते हैं। इनके धागे के अंदर एक मवाद मौजूद होता है जिसे क्रोमाटीन मटेरियल कहा जाता है। ये क्रोमाटीन मटेरियल के अंदर दांग ये बिल्कुल छोटे 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 स्पॉट, जैसे एक बिस्किट का जो चूरा होता है ना, जो खाते हुए जो छलकते हुए गिरता है, जो बिस्किट का चूरा होता है, इस तरह के ग्रैन्यूल टाइप जैसे छोटे छोटे दाने इन क्रोमाटीन नेटवर्क के अंदर मौजूद होते हैं, जिन्हें जीन्स कहा जाता है। और जीन्स का काम जो होता है वो विरासती करेक्टर्स को नस्ल तर नस्ल आगे ट्रांसफ़र करना होता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्रोमोसोम का कितना बड़ा अहम किरदार होगा। इसका स्ट्रक्चर देख के आप जान सकते हैं कि ये बॉडी में कितना अहम किरदार अपना रखता है। क्रोमोसोम जो है वो बेसिकली हेरिडिटेरी कैरेक्टरिस्टिक को एक सेल से दूसरे सेल के अंदर जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र करते हैं। इसके अलावा क्रोमोसोम की दरियाफ्त एक जर्मन बायोलॉजिस्ट ने की थी, जिनका नाम था वॉल्टर फ्लेमिंग। और इन्होंने अपना ये एक्सपेरिमेंट जो है वो एक चिपकली नुमा शेप पे किया था, जिसका नाम सेलेमेंडर है। और उनको एक केमिकल परकिन एनिलिन के अंदर डाल के उन्होंने किया था। लेकिन ये कहानी पूछी नहीं जाती एग्ज़ाम में, सिर्फ एक जर्नल ओवरव्यू देने के लिए आपको ये बताया गया है। ये था हमारा क्रोमोसोम्स के ऊपर का एक शॉर्ट सा ओवरव्यू। अब हम स्टडी करने वाले हैं केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम के अंदर मौजूद जितने भी कीमियाई मवाद होते हैं। ये जो कीमियाई मवाद होते हैं, इस पर ये मुश्तमिल ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। केमिकली क्रोमोसोम के अंदर जो है वो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन होते हैं, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, और कुछ न्यूक्लियो प्रोटीन अंदर मौजूद होते हैं। डीएनए जो होता है वो आप एक देख सकते हैं चोटी नुमा शक्ल के अंदर ये होता है, हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है सेल में, जो कि 30 से 40% क्रोमोसोम का हिस्सा अपने अंदर रखता है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर प्रोटीन्स है, जो कि 50 से 65% हिस्सा जो है वो क्रोमोसोम का रखते हैं। ये प्रोटीन दो में क्लासिफाई होते हैं। पहले होते हैं हिस्टोन प्रोटीन, जो कि नॉन एसिडिक होते हैं, यानी ऑब्वियसली बेसिक इन नेचर होंगे। और दूसरा हमारे पास जो प्रोटीन की किस्म है वो नॉन हिस्टोन है, जो कि एसिडिक होते हैं, यानी तेजाबियत रखते हैं अपने अंदर। थर्ड हमारे पास कंपोनेंट है आरएनए, जिसको राइबोस न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। ये फुली प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है, इसके अंदर भी न्यूक्लिक एसिड होता है, राइबोस होता है जो कि एक शुगर है। ये बहुत ही कम मकदार में होती है, जो 1 से 10% के रेशो में होती है। डीएनए जो होता है वो ज़्यादा इसके अंदर मौजूद होता है क्रोमोसोम में, जो 1000 यूनिट्स की सूरत में मौजूद होता है, जिन चोटियों को न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। ये चोटी नुमा शक्ल में होते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड जो है फर्दर 3 कंपोनेंट पर मुश्तमिल होते हैं, जो होते हैं डी ऑक्सी राइबोस शुगर, जिसके अंदर 5 कार्बन शुगर होती है, जिसे पेंटोस शुगर भी कहा जाता है। दूसरा पार्ट होता है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। तीसरा हमारे पास पार्ट होता है नाइट्रोजन बेसिस, जो कि इसका एक अहम तरीन पार्ट होता है। ये हमारा था केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। याद रखिएगा, क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेल के अंदर मौजूद होते हैं, बंच की सूरत में होते हैं। इन क्रोमोसोम के अंदर क्रोमाटिन नेटवर्क मौजूद होता है, और इनका हमारी बॉडी की नशनुमा में, हमारी बॉडी की रिप्रोडक्शन में, नशनुमा में, सेल्स की ग्रोथ में बड़ा एक अहम किरदार होता है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है या बायोलॉजी के शोबे में, इस पर बड़ी फील्ड्स रिसर्च करनी है, बड़ी फील्ड तरक्की कर चुकी हैं, इस वजह से इसको स्टडी कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर पसंद आया होगा। अपना वैल्यूएबल फीडबैक दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सेव कीजिएगा, इस इल्म को आगे तकसीम कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर